पार्टी करने हैं होनी चाहिए, देश के अंदर होनी चाहिए, पार्टी में हो ये प्रयास होना चाहिए। इसीलिए हमने कोई 20 साल पहले नारा दिया था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, इकट्ठा कैसे हो, बिना पानी कुछ नहीं हो सकता। आज जल्दी इनोवेशन चल रहा है, पानी का सोर्स नहीं होगा तो गर्म पानी जाएगा कैसे, पीने के काम में काम आता था, वो जमाना भी देखा हमने। तो मैं समझता हूँ कि अभी कृषि का अलग बजट पेश किया, किसानों के लिए अलग छूट दी हमने, उनके कर्जे माफ़ किए, पहले करीब 14,000 करोड़ रुपए के हम लोगों ने, 20 लाख किसानों को फ़ायदा मिला, तो कोई कमी नहीं रही, बिजली के बिल उनको कम हो गए, अब तो करीब 5.5 लाख किसानों को बिजली बिल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने 1,000 रुपये प्रति महीना उनको अनुदान दिया है उसके लिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि बूंद बूंद खेती हो, फवर खेती हो, जिससे कि पानी बचे। चारों ओर से हम लोग लगे हुए हैं। राजस्थान विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है, शुरू से 90% अनुदान मिलता रहा है, कैसे राजस्थान की प्यास बुझेगी? मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने कहा है आरोप लगा दो सरकार पर, इसकी बजाय कम से कम आप हमारे साथ चलो, प्रधानमंत्री महोदय से मिलते हैं, ERCP जो हमारी योजना है पूरे राजस्थान के लिए 13 जिलों की, वहाँ सिंचाई भी होगी, पीने के पानी में आएगा, उनको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय योजना घोषित करवाओ उसको। प्रधानमंत्री ने वादा किया था जयपुर में अजमेर की मीटिंगों के अंदर, तो ये तमाम दबाव हम डाल रहे हैं, तो मुझे अफसोस होता है कि कोई वादा किया प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद में एक राष्ट्रीय परियोजना 16 है देश के अंदर, तो 17वीं में क्या तकलीफ आ रही है? तकलीफ में लोग, पीने के पानी नहीं है, खारा पानी है, अकाल सूखे पड़ते थे, अभी भी गाँव के अंदर तकलीफ पीने के पानी को लेके, तो ये तमाम बातें हमारे दिमाग के अंदर, उसको लेकर हम आगे बढ़े। राजस्थान की जनता ने 25 सांसदों को चुनकर भरोसा जीता था कि केंद्र से कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन सांसद, चूंकि राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है और सांसद सब चुप है, पानी सांसद वैसे बताओ कल तो जाके मिले प्रधानमंत्री जी से, स्टेट वाइज मिल रहे होंगे, वो उनके पार्टी का प्रोग्राम होगा, और जो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए 25 सांसदों को, मेरा मानना अगर 25 सांसद नेता प्रतिपक्ष यहाँ के BJP का अध्यक्ष ये फालतू में स्टेटमेंट देते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, ट्वीट करने का भी एक तरीका और सलीका होता है कि क्या लैंग्वेज लिखते हो, क्या मीनिंग निकलता है, क्या उसमें तथ्य है, उसके बगैर भी ठोकते रहते हैं, हम भी देखते हैं चलो करने तो कोई बात नहीं, वो करो अपने हिसाब से, पर आप कम से कम जो राजस्थान की प्रॉब्लम्स हैं, पानी की है या बिजली की है, कोयले की है, कोई प्रॉब्लम हो उसको उठाओ कम से कम, आप लोग उठा ही नहीं रहे कोई मांगों को। तो राजस्थान के 25 सांसद को जिता के जनता अब पश्चाताप कर रही है, इनको सबक सिखाएंगे अगले चुनाव के अंदर, इनको भ्रम नहीं होना चाहिए, 5 राज्यों में 4 चुनाव जीत गए तो सब कुछ इनको मिल गया है, डेमोक्रेसी के अंदर कब जनता का मिजाज बदल जाए मालूम नहीं पड़ता, ये हमने अनुभव से देखा है। अगर इंदिरा गांधी जी जब जिसने परमाणु विस्फोट किया था देश के अंदर 74 के अंदर, 71 में बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो चुनाव हार सकते थे, चीज ही क्या है? जब जनता का मूड बदलेगा ना, आज महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी तो हाहाकार मचा हुआ देश के नौजवानों के अंदर, उनको एहसास हो जाएगा खाली ये हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की बात करके लोगों को भ्रमा रहे हैं, इनकी बातों में दम नहीं है, शासन नहीं कर रहे, खाली वोट लेने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, वोट लेने के लिए राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है क्या? देशवासी राष्ट्रवादी नहीं है क्या? इनकी पोल खुलेगी तब झटका लगे तब। नमस्कार, मैं हूँ सागर चौधरी, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना आप बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।